हाय दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सुनो। देखिए, कोएफिशिएंट 5 पर 10 से 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 गुना। देखिए, तो जो गुना हो रहा है ना, समय याद करना आपको। तो 3 गुना हो रहा है, तो n माइनस 1 अपॉन, ये भी दर दे रखी, r इज इक्वल टू इनटू 100। n का मतलब 3 गुना, 3 माइनस 1 अपॉन दर कितनी, 5 इंटू 100/1। 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 5 × 10 20 × 40 कितना समय आया, 40 वर्ष। थैंक यू। अगला बढ़ते हैं। कितने वर्ष में नौ गुना होगा? कोई दिन 10 पर 10 से 5 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 9 गुना। तो ये देखते हैं, एक बार 2 गुना, एक बार 9 गुना। तो n1 - 1 अपन n2 - 1 बराबर t1 - t2। n1 का मान 2 गुना, तो 2 - 1 9 गुना, तो 9 - 1 बराबर मेरा समय कितना, 5/1। यहाँ 2 में से 1 तो 1 बचा, 9 में से 1 तो 8 बचे, और 8 × 5 = 40, तो t = 40। सबसे राइट हुआ, t = 40। अब चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें पूछता है कि कोई धन आठ वर्ष में 3 गुना होता है, तो कितने वर्ष 27 गुना होगा? अब यहाँ दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, पहले दिया साधारण ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ अलग ढंग से हो। देखिए, 3 गुना, 8 में कितना, 3 गुना, तो कितने में 27 होगा? 3 की कितनी पावर, 3 पावर से 27 बना, तो 3 × 8 = 24। 24 इज द राइट आंसर। कितना आंसर होगा? 24। थैंक यू। डी अच्छा लगा, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करना बोले।